रवि शास्त्री ने जब ये कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी कोई वसीम अकरम नहीं है, कोई ग्रेट नहीं है, ओवर रेटेड है, ही इज गुड बट ऐसा भी नहीं है कि ही इज अनप्लेबल और बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है, उसे पाकिस्तान मैच हार रही थी और बहुत सारे लोगों ने इस बात को एग्री किया था शाहीन की करंट फॉर्म को देखते हुए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो फिलहाल वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो बॉलर हैं जो फास्टेस्ट 100 विकेट ले चुका है तेज गेंदबाजों में और ओवरऑल 100 विकेट लेने मामले में नंबर दो गेंदबाज हैं। क्या रवि शास्त्री ने जो कहा वो पूरी तरह सही नहीं था? क्या शाहीन शाह अफरीदी एक्चुअली में ज्यादा ओवररेटेड नहीं है और वो एक क्लास बॉलर है? ये सवाल उठना चाहिए। मतलब पाकिस्तान में इन दिनों हर इंसान कह रहा है कि देर इज नो मैच टू जसप्रीत बुमराह, विच इज क्वाइट पॉसिबल। जसप्रीत बुमराह नई बॉल से मिडिल ओवर्स में और आखिरी में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और कंसिस्टेंट हो करते हैं, लेकिन जब आप विकेटों पर नजर डालते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी भी उनसे कहीं 19 नजर नहीं आते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी जो 24 साल के होने वाले हैं, जब आप उनके स्टार्ट्स को देखते हैं तो ये स्टार्ट्स आपको शॉक करते हैं, हैरान कर। शाहीन शाह अफरीदी अभी 24 साल के नहीं हुए और 24 साल होने के पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट निकाल लिए हैं ओडीआई में, मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड को तोड़ा है और नंबर वन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। टेस्ट मैचेस जो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ गेम होता है वहां पर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो ऑलरेडी 100 विकेट निकाल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि T20 के बॉलर हैं केवल, टेस्ट में नहीं विकेट निकाले, टेस्ट में भी निकाले, T20 में 50 प्लस विकेट निकाले हैं। वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी ने 2 बार 5 से ज्यादा विकेट निकाले, सो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है। ओवरऑल 4 टेस्ट में 4 बार फाइफर मारा है और कई और बड़े मैचेस परफॉर्मेंस दी है। और फिलहाल अगर आप वर्ल्ड कप में बात करेंगे तो 30 गेंदबाजों में बुमराह के 14 विकेट हैं, शाहीन के 16 विकेट, हालांकि एक मैच ज्यादा खेला है। मार्को जैनसन जो हैं उनके 13 हैं, श्रीलंका में बॉलर जो हैं उनके 13 है और आपके साउथ अफ्रीकन बॉलर जो हैं उनके 12 है, तो यानी फास्ट बॉलर में एक मैच ज्यादा ही खेले, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा विकेट उनके हैं और ये भी ओवरऑल में शानदार है। वर्ल्ड कप में अगर आप देखोगे तो शाहीन शाह अफरीदी ने 7 मैच में 16 विकेट लिए, जिसके बाद जैम्पा ने 6 में 16 लिए, बुमराह ने 6 में 14 लिए और सैंटनर ने 6 में 14 लिए। अब 6 में 16 लेना के बाद उनको क्या वो वैल्यू मिल रही जो वो डिजर्व करते हैं, और क्या शाहीन का एवरेज परफॉर्मेंस भी कईयों के बेटर? वैसे सवाल भी मैंने इसलिए उठाया क्योंकि अगर आप बांग्लादेश वाला मैच देखेंगे, भले ही उसमें फखर जमान को मैन ऑफ द मैच दिया गया हो, वसीम जूनियर के नीचे के 3 विकेट दिख रहे हो और शाहीन के स्पेल में केवल 9 ओवर 1 मिडन 23 रन 3 विकेट दिख रहे हो, लेकिन इस मैच में रीढ़ की हड्डी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने तोड़ी है और मेरे हिसाब से इस मैच को उन्होंने बनाया था। कैसे? शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में विकेट निकाला तंजीद का, जिसने बांग्लादेश को तो तोड़ दिया। शाहीन अफरीदी ने उसके बाद अगले ओवर में शांतो को आउट किया जो उनके वन ऑफ द प्रीमियम बैट्समैन थे, और उसके बाद जब महमूदुल्ला टिक रहे थे और एक लीथल बैट्समैन होते नजर आए थे और बांग्लादेश के हाईएस्ट रन गेटर थे, सो उस क्रूशियल स्टेज पे उन्होंने उनका भी विकेट गिरा दिया एंड आई थिंक दैट वॉज इट, यहां से मैच खत्म हो गया था। यही महमूदुल्ला के विकेट को मैं सबसे क्रूशियल विकेट मानता हूं और मेरा मानना है कि उसकी वजह से मैच पलट गया और वो विकेट भी शाहीन शाह अफरीदी ने लिया था, बोल्ड मारा था, तो आई थिंक क्या शाहीन को उनका ड्यू उतना नहीं मिलता। ऑल्सो अगर आप उनके वर्ल्ड कप के स्टार्ट को देखोगे तो 2019 वर्ल्ड कप जो उनका पहला वर्ल्ड कप था, 5 मैच में 16 विकेट थे और इस बार 7 मैच में 16 विकेट है, यानी कि 12 मैचेस में 32 विकेट। अगर मैं मोहम्मद शमी को हटा दूं जिन्होंने बहुत ही इनक्रेडिबल गेंदबाजी की है, सो बाकी जितने भी गेंदबाज हैं उनके सामने शाहीन शाह अफरीदी के स्टार्ट जो है मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं। मुझे लग रहा है यार क्या कमाल ही गेंदबाजी की है, मतलब ऐसा कोई, एंड नॉट ओनली इन वर्ल्ड कप, हमने वो 100 विकेट्स का भी जिक्र किया जिसमें 51 मैच में शाहीन अफरीदी ने 100 विकेट निकाले, 52 मैच में मिचेल स्टार्क ने निकाले थे जिन्हें हम ग्रेटेस्ट में गिनते हैं, शेन वॉर्न ने 54 में निकाले थे न्यूजीलैंड के वो ग्रेटेस्ट में है, मुश्तफिजुर जो है 54 में उन्होंने निकाले थे और ब्रेटली ने 55 में निकाले थे,
सो आई थिंक यहां पर भी शाहीन शफरीदी जो है उनकी तारीफ होनी चाहिए कि यार जबरदस्त गेंदबाजी की है। ओवरऑल में केवल राशिद खान से पीछे हैं, बाकी सबको उन्होंने ऑलमोस्ट हटाया है। फास्टेस्ट विकेट मतलब अगर गेंदों के हिसाब से देखोगे तो उसमें भी वो चार नंबर पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं राशिद खान 2139 बॉल में 100 विकेट निकाले, फिर आते हैं संदीप नेपाल वाले 2200 गेंद में, उसके बाद मिचेल स्टार्क 2452 गेंद में, और फिर शाहीन 2526 गेंद में, उसके बाद मुस्तफिजुर आते हैं। सो आप किसी भी पैमाने पर अगर शाहीन अफरीदी को देख रहे हो तो मुझे वो स्टैट्स में हल्के नजर नहीं आ रहे, और ये वो वाले स्टैट नहीं है कि रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री वाले। मतलब शाहीन अफरीदी फर्स्ट ओवर में जब विकेट निकालते हैं तो पाकिस्तान अलग नजर आती है, और इस मैच में वो नजर आया। शायद इस मैच में अगर वो इससे पहले वाले मैचेस में अगर वो ऐसा करते तो अलग नजर था, लेकिन विकेट उन्होंने वहां भी निकाले। शायद पाकिस्तान हार इसलिए थी क्योंकि बाकी गेंदबाजों का सपोर्ट नहीं था। लेकिन फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या शाहीन अफरीदी को अंडर रेट किया जा रहा है, जबकि उनके स्टार्ट कहते हैं कि उन्हें ओवर रेट होना चाहिए, मतलब उनके बारे में हाइप बननी चाहिए। कमाल